नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। 11 मई थर्सडे यानी गुरुवार का दिन है और आपके राशिफल के साथ हम हाजिर हैं, जिनका आज के दिन बर्थडे है। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके जन्मदिन की। अच्छे से सेलिब्रेट करना है आपने अपना जन्मदिन, लेकिन अपनी सुरक्षा में किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं करनी है। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, बड़ों से बहुत सारी एनर्जी ले लीजिए और साथ के साथ सेलिब्रेट कीजिए, बट छोटों को प्यार भी कीजिए। कोई ज़रूरतमंद अगर आपसे मदद मांगे तो ज़रूर कीजिएगा। बेजुबानों को आज के दिन आपने जल का प्रबंध ज़रूर करना है, यानी पानी पीने का प्रबंध उनका ज़रूर करना है। मिठाई बांटिएगा, खुशी का इजहार कीजिए, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद के साथ साथ इस उपाय को भी ज़रूर कीजिए। चने की दाल का दान और थोड़ा सा उसमें पीला चंदन एक डिब्बिया डाल सकते हैं, छोटे से पीले चंदन की। ये दोनों चीज़ों का दान आपने मंदिर में जा कर के करना है, मंदिर में अर्पित कर दीजिए। और ज़रूरतमंद अगर कोई मदद मांगे तो उसे ज़रूर दीजिएगा, मिठाई दीजिए, कुछ दक्षिणा भी दे सकते हैं। इन्जॉय कीजिए बर्थडे को, बट अपनी रक्षा अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। बात करेंगे गोचर की, ट्रांजिट की, बार तराशियों की भी होगी, लकी अक्षर भी होगा, लेकिन पहले बात ग्रहों की यानी गोचर की। सूर्य रहेंगे मेष राशि में 26 डिग्री के और वक्रीय बुध के साथ, राहु के साथ और गुरु के साथ रहेंगे। चंद्रमा मकर यानी कैप्रिकॉर्न में रहेंगे, 8 डिग्री के हैं चंद्रमा। मंगल कर्क राशि में नीच के हो गए हैं, मंगल कर्क राशि में रहेंगे, नीच के हैं मंगल, 1 डिग्री के मंगल जस्ट अभी एंटर ही हुए हैं। बुध मरकरी मेष राशि में रहेंगे, 12 डिग्री के हैं, वक्रीय चल रहे हैं बुध अभी भी, उच्च के सूर्य के साथ है, राहु के साथ है और गुरु के साथ रहेंगे, गुरु यानी जुपिटर। 5 डिग्री के मेष राशि में रहेंगे, उच्च के सूर्य के साथ रहेंगे, बुध के साथ रहेंगे, बुध मरकरीय चल रहे हैं, रेट्रो चल रहे हैं और राहु के साथ रहेंगे। शुक्र मिथुन राशि में यानी जेमिनी में रहेंगे, 10 डिग्री के हैं। शनि कुंभ राशि में है, 12 डिग्री के हैं। देखिए कितने स्लोएस्ट प्लेनेट है अभी तक, देखिए 12 डिग्री, 1 डिग्री भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत धीमे चलते हैं शनिदेव, 12 डिग्री के हैं। राहु मेष राशि में रहेंगे, 10 डिग्री के हैं, उच्च के सूर्य के साथ, वक्रीय बुध के साथ और जुपिटर के साथ यानी गुरु के साथ रहेंगे। केतु तुला राशि में रेट्रो, 10 डिग्री के रहेंगे। ये तो आपके गोचर यानी ट्रांजिट ग्रहों की बात हो गई, अब बात करेंगे आपके राशियों की। लेकिन लकी अक्षर का प्रयोग आपने ज़रूर करना है। एक छोटा सा दैवीय अक्षर कैसे आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव करता है, छोटा सा दैवीय अक्षर कैसे दिन भर आपकी एनर्जी को बना करके रखता है, इस अक्षर का प्रयोग खुद भी कीजिए, लेकिन दूसरों को भी इसे ज़रूर बताइएगा, उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए बात करते हैं आपकी राशियों की। पहली राशि एरीज यानी मेष राशि वालों, ससुराल पक्ष से आपको फायदा होने वाला है, थोड़े से संबंध बेहतर बना करके रखें उनके साथ, धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे, नए मौके मिल सकते हैं। अपना काम समय के ऊपर पूरा करना शुरू कीजिए। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफ़ेद, सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। वृष यानी टॉरस की बात करते हैं, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, वरना आपका दिल दुख सकता है। ऐसी बातें छोटी छोटी तो होती रहती हैं ज़िंदगी में। स्वास्थ्य के लिए खास करके आपको अटेंटिव रखना है, अपने आप को ध्यान रखना है आपको, लंबी यात्रा टाल दें आज के दिन। शुभ अंक की बात करें वह रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे, ग्रे रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। मिथुन यानी जेमिनी की बात करते हैं, घर आए हुए मेहमानों का निरादर ना करें, डिसरेस्पेक्ट ना करें, भाई बहनों के साथ थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है, कोशिश कीजिए कि विवाद ज़्यादा ना फैले, उसको हवा ज़्यादा ना दें, शांत रहने का प्रयास करें, माहौल को शांत करने का प्रयास करें, अपना काम मन लगा करके करें। शुभ अंक की बात करें वह रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला, नीले रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। कर्क यानी कैंसेरियन की बात करते हैं, नौकरी में प्रमोशन की
प्रबल संभावनाएं हैं। परिवार के साथ संबंध आपके बेहतर होंगे। मित्रों से कुछ धोखा मिलने की संभावनाएं हैं। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक रहेगा आपके लिए 6। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन। गोल्डन रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। लियो यानी सिंह राशि, अचानक घर में कोई मेहमान आ सकते हैं। पुराने किए हुए काम से आपको फायदा मिल सकता है। धन के लेन देन में थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 1। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल। लाल रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। वर्गो यानी कन्या, अचानक धन मिलने की संभावनाएं हैं। पति से बिल्कुल ना झगड़िएगा, महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली है, पति से ना झगड़िएगा क्योंकि जीत आपकी नहीं होने वाली है, तो इसलिए आज शांत रहेगा। और पति देव, आप ज़्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, तो आपको पुरुषों के लिए भी खास करके ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, कॉन्फिडेंस से हर कार्य कीजिए। विदेश से अचानक कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन। ब्राउन रंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तुला यानी लिब्रा की बात करते हैं, कर्ज लेने से बचें। आज के दिन लिया हुआ कर्ज चुकाने में परेशानी हो सकती है। बच्चों के साथ अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट बना करके रखें, अच्छे से उनके साथ समय बिताएं, उनकी बात को सुने और अपनी बात भी उन्हें सुनाएं। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या आपको घेर सकती है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैरून। मैरून रंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, धन किसी को भी उधार में आज के दिन ना दें। ज़्यादातर फैसले वैसे तो आप ही के हक में रहने वाले हैं। हर काम में आपको कुछ एक खास फायदे के योग नजर आएंगे, यानी जो भी कार्य करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8। शुभ रंग रहेगा आपके लिए फिरोजी। फिरोजी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। धनु यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं, परिवार को सम्मान दे, रिस्पेक्ट दे, परिवार के साथ कुछ समय ज़रूर बिताएं। गुप्त लेन देन, ये अंडर द टेबल वाला लेन देन होता है ना, ये मत कीजिएगा आज के दिन। फंसने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 1। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल। लाल रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, अचानक अच्छी खबर शुभ समाचार आपको मिल सकता है। यात्रा पर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बच्चों के साथ बढ़ रही दूरियाँ समाप्त होंगी। शुभ अंक की बात करें वह रहेगा 5। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफ़ेद। सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस की बात करते हैं, अचानक धन आ सकता है। माध्यम कोई भी किसी भी तरीके का हो सकता है। स्ट्रेस से मुक्त रहेंगे आज के दिन आप, आपको स्ट्रेस ज़्यादा नहीं घेरेगा। धन के लेन देन में थोड़ा सा सावधानी रखें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी। गुलाबी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। पाइसेन यानी मीन राशि की बात करते हैं, समय पर ऑफिस जाएं, उसमें देरी रोज़ रोज़ करेंगे तो परेशान हो सकते हैं। पिताजी से दूरियां बढ़ सकती हैं। नौकरी में किसी भी तरीके की चूक ना करें और गाड़ी सावधानी से चलाएं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर। सिल्वर रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। अक्षर की बात करते हैं, 12 मई शुक्रवार फ्राइडे कौन सा अक्षर है जिसका प्रयोग आपने ज़रूर करना है। ल अक्षर का प्रयोग करना है। गुलाब के फूलों की पत्तियां लेनी है, उसका रस निकालना है, और सफ़ेद फूलों की पत्तियां भी लेनी है, उसका भी रस निकालना है, और साथ में उसमें थोड़ा सा गंगा जल की बूंदें डालनी है। इन तीनों को मिला करके आपने अक्षर लिखना है कागज़ के ऊपर। दिन भर इस अक्षर को अपने साथ रखिएगा। अगली सुबह इसे किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में रख दीजिएगा। दिन अच्छा होगा, एनर्जी अच्छी होगी और कार्य आपके अच्छे बनेंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। हर दिन हम राशिफल लेकर के आते हैं। कल फिर
आप ही का राशिफल लेकर के फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।